सबसे पहले मैं आप बेटियों से एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर कोई व्याख्यान प्रवचन कुछ नहीं होगा, ये हमारा टॉक शो होगा। जितनी ज़्यादा बेटियाँ बात करेगी उतना यहाँ से लेके जाओगी। अगर किसी आपकी सहेली ने कोई बात की तो आप सारी सहेलियों को वो बात जज करने में आसानी जाएगी। हमारी बात पल्ले पड़ने में जनरेशन का गैप बहुत ज़्यादा है, ध्यान में रखना बेटियों, और जनरेशन का गैप मैच करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन किसी सहेली ने कोई बात कही और जज करने में और उतारने में मन में अंदर बहुत आसानी जाएगी। कोशिश ये करना, बोलोगी तो बहुत अच्छा, नहीं बोलोगी तो गुरुवर्य ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि बेटियों तक कुछ ना कुछ संदेश पहुँचाओ, तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल जिम्मेवार हूँ। लेकिन उसके बगैर अगर आप सहयोग करोगी तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल सारी बेटियों से ये है, आईने में कितनी बार देखती हो? आईने में, सर ये कोई सवाल हुआ क्या? ऐसा ही मैंने एक सेशन में कहा था, एक बेटी जिसकी डेयरिंग बहुत अच्छी थी, उसने क्या कहा पता है क्या? सर मैं आईने में 2 बार देखती हूँ। बाजू में बैठी हुई जो उसकी सहेली थी उसने कोहनी से उसको कहा, अरे 2 बार क्यों, हम तो कितनी बार देखते हैं, देखते या नहीं देखते हैं? आईने के सामने से जैसे हम पास हो, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से देखने का मन हर एक का करता है, आपका थोड़ा ज़्यादा करता है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि आईने में कितनी बार अपना एक्सटर्नल स्वरूप, बाह्य स्वरूप निखारने के लिए, या मैं कैसी देख रही हूँ दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, नॉट नेसेसरी। मन में झांकने की, अंतर मन में टटोलने की कोशिश करती हो क्या? ये विगत 3 दिन में आपने अंतर मन को टटोलने की कोशिश की है, मुझे अच्छे से पता है। और ये जो कुछ भी समय मुझे दिया गया, मैं ये नहीं कहूँगा 1.5 घंटा 2 घंटा, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, और आप जितनी उत्साहित दिखती हो वो मेरे समय के साथ साथ उत्साहित हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। मन में झांकने के लिए 3 दिन तो आपने दिए, आज का पूरा दिन है आपके साथ, और इसको केवल यहाँ 4 दिन का शिविर लग गया, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और जैसा ये प्रीमाइस से छोड़ने के बाद अगर आपके स्वभाव में, आपके दिनचर्या में, आपके व्यवहार में अगर कुछ भी बदल नहीं आया तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, हमें पाप लगेगा। सो इसको जीवन में उतारने की कोशिश करना, जब जाके मज़ा आएगा। बहुत अच्छा है जीवन, बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता की तरफ हमारा नज़रिया कैसा है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं क्या? 2 सहेलियां हैं, 2 सहेलियां, दोनों को भी संगीत का बड़ा चाव। आपके एज के हिसाब से मैं जो बातें करने जा रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश करना। 2 सहेलियां जिनको संगीत का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी संगीत विशारद दीदी के पास जाते हैं दोनों भी सहेलियां और कहते हैं कि हमको एडमिशन लेना है। और संगीत विशारद दीदी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक को कहती है कि तुझे संगीत का ज्ञान कितना है? वो लड़की कहती है, वो बिटिया कहती है कि मैम दीदी मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है ना, आपको महीने के 2000 रुपये पड़ेंगे, कोई बात नहीं दीदी, मैं देने को तैयार हूँ। दूसरी सहेली को पूछती है, वो दीदी आपको संगीत का ज्ञान कितना है? वो एकदम से घबरा जाती है और क्या कहती है पता है क्या? कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझे, मैं 0 हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तुझे महीने के 1000 रुपीज। मेरा सवाल है सारी बेटियों से, जिसको ज्ञान है संगीत का उसको कितने, और जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है उसको कितने? वाय, ऐसा क्यों? कौन बोलेगा? अगर आप बोलोगी ना तो पहुंचेगा, नहीं बोलोगी तो मैंने कहा था हमारा नॉलेज आपके लिए उतारने में समय लगेगा, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली यूजफुल होगा ही। कोई पिता अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? हाँ या ना? अंदर से बोलो, जोर से बोलो, जब तक पहुंचेगा नहीं आप तैयार नहीं हो। और जब तक नहीं बोलोगी तो झांसी का रानीत्व जिसको कहते हैं वो अंदर नहीं पनपेगा। आप झांसी की रानी हो, मन के विरुद्ध कोई अगर थोड़ा भी कुछ किया तो कमर पे हाथ आने चाहिए। फिलहाल का सिनेरियो कैसा है पता है क्या? जो दिखता है वो बिकता है। हमारे ज़माने में बहुत सारी बातें बंद मुट्ठी में थी, कपड़े फटे पहनते थे,
ज्ञान छुपाते थे, बहुत सारी बातें छुपी छुपाई थी, बताते नहीं थे, बिल्कुल समय पर बिल्कुल एकदम से विस्फोट होता था, अरे यार इतना मिरेकल कैसा हुआ, लेकिन उसने पहले पे किया होता है। बात समझ में आ गई मेरी, पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है, पहली जो कहावत थी वो थी बंद मुट्ठी सवा लाख की। आज का सिनेरियो कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। दिन में ऐसा काम करो जिससे खुद की पीठ थपथपाने का मौका मिले। बात समझ में आ गई? ऐसा काम करो, फिर वो काम किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी की आज्ञा का पालन हो, किसी का रिस्पेक्ट हो, किसी से अच्छी बात हो, बहुत सारी बातें हैं जिससे हमें अच्छा लगता है अंदर से, बाहर से नहीं अंदर से। और जिसका अंतर्मन टटोलने की भावना जितनी ज़्यादा पनपेगी, सक्सेस रेशो आपका बढ़ेगा। यश किसको नहीं चाहिए, सक्सेस किसको नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसने हाथ उठाना। हर मेरी बेटी को सक्सेस की आशा है या नहीं है? 100% है। लेकिन उसके लिए मैं क्या करती हूँ? मेरी अभी गुरुजी से बात हो रही थी, उसमें उन्होंने जो कहा वो आपसे कह रहा हूँ। केवल एक हफ्ता अपने पेपर के, दो पेपर लेना, एक पेपर पे मैंने दिन में क्या क्या अच्छा किया, बिस्तर छोड़ने के बाद और बिस्तर पे जाने तक, ये दिन भर में मैंने क्या क्या किया। हर एक को सक्सेस होना है, किसी का अलग, किसी का अलग, किसी का अलग, लेकिन सक्सेस तो होना ही होना है। फेल्योर किसी को चलेगा क्या? ए एटीट्यूड मन से निकाल दो, मुझे आना है। जब तक विद्यार्थी बनी रहोगी, ऊंचाई हासिल करते रहोगी, ये प्रोसेस कभी बंद होने वाली नहीं है। सो मन में ये रखना है कि यार मुझे जो कुछ भी कोई कह रहा है तो गुड लिसनर बनना है सबसे पहले। गुड लिसनर इन द सेंस, कोई कहता है तो विथ फुल आई कॉन्टैक्ट एंड इसके साथ साथ सहेली को सुनो, मम्मी पापा को सुनो, किसी गुरु को सुनो, अपने टीचर्स को सुनो, अपने एल्डर्स को सुनो। बात बनने में बहुत मदद मिलेगी खुद की, और केवल मदद नहीं मिलेगी तो सामने वाले का विश्वास इतना बढ़ेगा, अरे ये मेरी बात सुनती भी है, और पूरे आँखों का स्वभाव जो है वो एक दूसरे के साथ मेल खाता है, जब जाके विश्वास पनपता है। और ये ध्यान में रखना, इसको पूरा जीवन में उतारने की कोशिश करना, पीछे मुड़कर देखने का जीवन में काम नहीं आएगा। केवल दो बातें, गुड लिसनर और फुल आई कॉन्टैक्ट, ध्यान में रखना। जिसने नजरें चुराई, समथिंग रॉन्ग विथ हर, कुछ न कुछ गलत मन में चल रहा है, और इस एज में जाजा चलता है। अभी पूजा दीदी ने क्या कहा पता है क्या? फुल कॉन्सेंट्रेट होकर बैठो। क्यों कहा? क्योंकि आपका मन इतना विचलित है। महाराष्ट्र से कितनी बेटियां हैं? महाराष्ट्र से, जलगांव से सुना था मैंने, शिरपूर से सुना था मैंने, नो प्रॉब्लम। मराठी येते थोड़ा थोड़ा, त्याला मराठीत म्हणतात घडित मासा घडित थोड़ा। आदमी की, इंसान की और आपकी टीनेजर्स की ये दुविधा मनस्थिति होती है, इतनी पजल माइंडेड होती है कि थोड़ी देर में कुछ सोचा, थोड़ी देर में कुछ और सोचा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती हो, एकाग्रता नहीं बन पाती हो। एकाग्रता बनाओगी, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। गारंटी के साथ कहता हूँ, जो आपकी अपेक्षाएँ पूरी हो जाएगी। मौज करो, मस्ती करो, कहीं उसमें खोट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मन करता है उतना एंजॉय करो, वो आपकी एज है, बाद में एज आने वाली नहीं है ये। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ गंभीरता की आवश्यकता है, वहाँ अगर गंभीरता से लोगी, आपका जीवन सफल होने में खुद ही की खुद को मदद मिलेगी। मम्मी पापा तो है, बहुत आशा लगा के आपसे, मेरी लाडली बेटी, बहुत प्यार से उसको बड़ा किया है। जितना प्यार दिया उससे ज़्यादा प्यार उसको अगले आने वाले जीवन में मिले। हर मम्मी पापा को लगता है या नहीं लगता है? हेलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगता ही है, लेकिन आप सपोर्ट कितना करती हो? 24 घंटे या फिर 12 घंटे, 10 घंटे मम्मी पापा आपके साथ रह सकते हैं क्या? नेवर। आपके साथ रहेंगे आपकी सहेलियाँ, आपके साथ रहोगी आप। लेकिन ये 4 दिन में खुद के अच्छे दोस्त बन जाओ, जीवन में पीछे मुड़कर देखने का काम आपको कभी नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात, 4 दिन में खुद की दोस्त बनने के लिए शिविर है ये, कौशल शिविर।
इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करो। जो बात अभी कहने जा रहा हूँ उसको जीवन में उतारने की कोशिश करो। अपना नाम क्या है बेटा तेरा? ख्याति भाव सर। ख्याति भाव त्री ख्याति। ओके ख्याति, तेरे नाम का मीनिंग क्या है? गुडनेस। उसके बाद में ख्याति का और बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ, ख्याति के जैसा जिसको कि अपने नाम का अर्थ पता है। यहाँ पर बैठी हुई सारी बालिकाएं नियर अबाउट, क्या नाम बोली बेटा? श्रेया। श्रेया मीन्स व्हाट एग्जैक्ट? क्रेडिट। क्रेडिट लेना श्रेया। ओके प्रज्ञा। प्रज्ञा मीन्स गायत्री माँ। बहुत बढ़िया। बहुत सारी आपकी सहेलियों को अपने नाम का अर्थ पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि 50% बेटियों को अपने नाम का पता ढूंढना पड़ेगा। अभी घर पे जाओगी कल मॉर्निंग में? ओके घर पे जाओगी तो मम्मी को दाएं साइड में, पापा को लेफ्ट साइड में बिठाना और कमर पर हाथ रखना, मेरा नाम क्यों रखा। हमारे ज़माने में जब बिटिया का जन्म होता था ना, तो मम्मी पापा को बिल्कुल एकदम से डर लगता था। उसके रीजंस बहुत अलग अलग है। हम सीनियर लोग उस चीज़ को जानते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। आपके लिए तो जितना मांगा, जब मांगा, जैसा मांगा, सब अवेलेबल है आराम से। हमारे ज़माने में कुछ नहीं मिलता था, मार पड़ती थी, लेकिन फिर भी हमारी गर्दन ऊपर नहीं उठती थी, मम्मी पापा को नज़र नहीं मिला पाते थे हम। लेकिन आज अगर मम्मी पापा ने गुस्से से देखा तो आज की उम्र की बेटियां कमर पर हाथ रख, दो दिन खाना नहीं खाऊंगी, ये एटीट्यूड है आपका। मुझे गुस्सा करती है क्या? मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतनी समझदार हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, और मम्मी ने तो कुछ पढ़ा नहीं है, और फिर भी मुझसे डाउट देखती है, डाउट नज़रों से मुझ पर गुस्सा करती है, चलेगा क्या? नेवर एवर। उनके बगैर कोई नहीं है, जो आखिरी सांस तक आपके साथ है। कौन है? मम्मी और बगैर उनके कोई नहीं है, गारंटी देता हूँ मैं। और आपकी जिस एज को बिलोंग करती हो आप, आपके लाडले मम्मी पापा के साथ कितने दिन हो, कितने साल हो, और सोचो इसके बारे में। अभी समय बनता है, एक बार टाटा बाय बाय हो गया ना, ढूंढने से नहीं मिलेंगे मम्मी पापा। ध्यान में रखना मेरी बात, हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मौज करो, मस्ती करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो बाद में समय नहीं आएगा। जिस स्टैंडर्ड को बिलोंग करती हो, जिस एज को बिलोंग करती हो, बाद में नहीं आने वाला है। सो जिस एज में जो चाहिए वो बिल्कुल करना चाहिए, पूरी मस्ती के साथ। लेकिन जहाँ गंभीरता की आवश्यकता हो, जहाँ पढ़ाई, मराठी में कहावत है अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये एज है आपकी, पूरा डे शेड्यूल्ड बनाओ। जैसा मैंने कहा था, बिस्तर छोड़ने के बाद और बिस्तर पर जाने तक जो दिन में करती हो, तो मैंने मॉर्निंग में उठकर क्या क्या किया। यहाँ तो 4 दिन में तो आप बिल्कुल मॉर्निंग में उठती हो, रात तक बिल्कुल आपका शेड्यूल पैक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन घर पे जाने के बाद आप इसको पूरा अपोजिट करोगी, ये भी मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जिस बालिकाओं ने इस 4 दिन के शिविर को पूरी तरह से ना अपनाया हो तो भी चलेगा। 50%, 40%, 30% जीवन में उतारने की कोशिश की। आपके आसपास भी कोई खड़े रहने लायक आपकी सहेली आपको मिलेगी ना, मैं लिख के देता हूँ, आपके हाथ में है क्या करना है। बहुत सौभाग्यशाली हो आप, जितने आसानी से ये शिविर आपको मिला, टीचर के माध्यम से, आपके गांव के मम्मी पापा के माध्यम से, आपके मन के माध्यम से, इसको पूरी तरह से भुनाने का समय आपके साथ है अभी, ध्यान में रखना। मैंने कहा था अभी, हमारे ज़माने में बेटी का जन्म हुआ, मम्मी पापा एकदम घबरा जाते थे। लेकिन आज अगर बेटी का जन्म हुआ, गांव भर मिठाई बांटी जाती है। जाती या नहीं जाती है? 100% जाती है। उसके पीछे के रीज़न भी बहुत अलग अलग है। लेकिन जिस उत्साह के साथ लाडली बिटिया का जन्म के साथ उसका नामकरण भी हुआ, मैं जो कह रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करना। हर शिविर में मैं ये कहता ही कहता हूँ, और आपके टीनेजर्स बेटियों को, बालिकाओं को ये बातें बहुत ज़्यादा सूट करती है, ध्यान में रखना। आज आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, किसके नाम का सपोर्ट लेना पड़ता है?
मम्मी पापा का सहारा लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता है डजंट मैटर। किसी सहेली ने मुझे कहा था, सर मम्मी पापा का सहारा लेना पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी सांस तक मम्मी पापा का सहारा हम लेने वाले हैं, लेकिन सर आने वाले कुछ सालों में मैं ऐसा काम करूंगी, आज अगर सौभाग्यवश मम्मी पापा की वजह से मुझे जाना जाता हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैं ऐसा काम करूंगी मेरी वजह से मेरे परिवार का और मेरे मम्मी पापा का नाम निकले, ये दायित्व आपका है, इस वजह से जन्म हुआ है आपका, ध्यान में रखना बेटियों। और हर शिविर में मैं ये जानबूझकर कहता हूँ बेटियों से, मेरी रियल लाडली बेटी का नाम है तरल, जो बीफॉर्म कर रही है पूना में महाराष्ट्र में, लास्ट ईयर में है वो, और सारे शिविर की बेटियों में मैं अपनी तरल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बात समझ में आ गई, हर मेरी वो बेटी में मैं मेरी तरल को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और आपकी जैसे ही मेरी तरल। बाप अपनी बेटी को बहुत चाहता है, मम्मी को तो भी बेटी का दिन भर के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा सानिध्य मिलता है, लेकिन पापा को नहीं मिल पाता। बात समझ में आ गई, इसलिए पापा बहुत ज़्यादा अटैच रहते, बेटी का नाम निकला कि पापा के रोंगटे खड़े हो गए, ध्यान में रखना ये बात को। यहाँ पर कुछ मम्मी आए तो मेरे ऊपर थोड़ी नाराज होगी, लेकिन पापा अपनी बेटियों के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं, नाम निकला कि एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, ध्यान में रखना। इसलिए ये जो कसम आपने उठवाई है अंदर के अंदर, ध्यान में रखना, उसको कायम रखना, आने वाले समय में मैं ऐसा काम करूंगी कि मेरा परिवार और मेरे मम्मी पापा मेरे नाम से फख्र महसूस करें, एंजॉय करें, अरे यार मेरी बेटी। हर मम्मी पापा को अपनी बेटी के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उस चीज़ को अगर आप समझ जाओगी तो उनके सपनों के साथ, अपने उद्दिष्टों के साथ लगे रहो, सक्सेस इज योर्स। बात समझ में आ गई, इसीलिए हमारे सेशन में हम पहले कहते हैं 10 सवाल पूछते हैं बेटियों को, 10 सवाल, उसमें से पहला सवाल यही रहता है, मेरे नाम का अर्थ क्या है। खुद के नाम के साथ जियो, बहुत मज़ा आएगा, चिंतन करो, मनन करो, बहुत मज़ा आएगा, जितनी ज़्यादा पढ़ोगी उतनी आगे जाओगी। पढ़ना ही नहीं हुआ आजकल, मोबाइल, हमारा मोबाइल का भी विषय निकला था, क्योंकि मोबाइल में इतनी लगी हुई हो, अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा अच्छे ऊँचाई हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं प्रमोशन भी नहीं करूँगा, डिमोशन भी नहीं करूँगा, लेकिन उसका उपयोग कितना करना है वो अगर इस एज की बेटियाँ समझ जाती है, क्योंकि मम्मी पापा को लगता है बार बार हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को मिला, क्या प्रॉब्लम है, एंजॉय करने दो। लेकिन आजकल की टीनेजर्स उसका अंडू एडवांटेज, गैर फायदा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कहते कहते 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं, फिर आँखों का प्रॉब्लम, फिर ये जो आपके चेहरे का ग्लो है उसके ऊपर इफेक्ट होता है या नहीं होता है, 100% होता है यार। उसको अगर हमको ऐसे ही बनाए रखना है फुल्ली ग्लोफुल, तो जो अच्छी बात है उसको स्वीकारने की कोशिश करो, अनप्रोडक्टिव बातें अच्छी लगती है लेकिन उसके साथ बहते मत जाओ। अगर ये कोशिश करोगी, मोबाइल कोई विषय नहीं है, लेकिन एक मोबाइल पहले खिलौना था, अब खेल हो गया आपका, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ी देर नेट नहीं रहा तो भी पापा को बोलते हैं कि मुझे नेट दे दो, आपका नेट मुझे दे दो। सो कोशिश ये करो, अच्छी बातों को पकड़ने की कोशिश करो, आगे का रास्ता तो आपको बहुत अच्छे से पता है। ये 10 सवालों में पहला सवाल तो था नाम का अर्थ, एक सवाल बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी बातें शेयर करूँगा मैं, उसमें एक सवाल बहुत अच्छा है, वो कौन सी बातें, जो बातें अच्छी तो नहीं है हमें बहुत अच्छे से पता है लेकिन दुर्भाग्यवश मुझ में है, सुधारने योग्य बातें, उसका स्लोगन ही है सुधारने योग्य बातें, होती या नहीं होती है, बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो नहीं चाहिए लेकिन होती है, होती या नहीं होती है, क्या होती है, आपसे चाहिए मुझे कि सर ये बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन दुर्भाग्यवश मुझ में है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है, किसको लगता है कि सर मुझ में ये बात है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है लेकिन है मुझ में, बोल पाओगी? गुस्सा। क्या नाम बोली? निधि हारोड़। आपकी सहेली निधि ने कहा कि सर मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये बात अच्छी नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश मुझ में है, क्लैपिंग्स हो जाए यार उसके लिए।
इतनी संख्या में 500 सहेलियों में निधि बिटिया का मन करता है कि मेरे जो अच्छी बातें नहीं है, कम अच्छी बातें हैं, बुरी बातें कोई होती नहीं है, ध्यान में रखना। अपने को अपनी कोई भी बहुत गलत बात भी बुरी लगती है क्या? नहीं लगती है, अपना अपने को नहीं लगता है। तो इसलिए अच्छी बात या कम अच्छी बात। सो आपकी सहेली निधि ने क्या कहा कि मुझे गुस्सा आता है, इतने 500 सहेलियों में मेरी कम वाली अच्छी बात शेयर करना, उसके लिए मन लगता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी सहेली निधि आईने में देखते समय एक्सटर्नल के साथ साथ अंतर्मन में भी झांकती होगी, मैं गारंटी देता हूँ। उसके लिए एक बार फिर से क्लैपिंग्स हो जाए। एक बात हो गई गुस्सा, और क्या हो सकता है? क्या बात बोलना? मैं बहुत सारा शेड्यूल तो बना लेती हूँ, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के कारण मैं अपना शेड्यूल तोड़ देती हूँ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अपनी बात मैंने सोची थी उसके ऊपर अमल में लाने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें करनी पड़ती है। क्या बात है, क्या नाम बोली? श्रद्धा। वेरी गुड श्रद्धा, श्रद्धा के लिए क्लैपिंग्स हो जाए। एक तो हो गया गुस्सा, दूसरी बात हो गई सर मैं खुद से कमिटेड नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। और जब तक कहोगी नहीं मज़ा नहीं आएगा, और कहना पड़ेगा तब जाके आप इस पूरे शिविर के साथ 4 दिन के मेरे ये घंटे 2 घंटे के सेशन के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। 4 दिन में जुड़ोगी, दिनचर्या में लोगी उसको, डे शेड्यूल में जीवन आपका बन जाएगा, सोचना इस बात को। कौन कहने वाला था इधर, देना माइक पीछे बेटा। हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करना और उस चक्कर में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, बहुत बढ़िया। क्या नाम बोले बेटा? पूर्व था। ओके, पूर्व था, वेरी गुड। बहुत सारी प्लानिंग करती हूँ लेकिन फिर उसको अमल में लाने के लिए उसको भूल जाती हूँ, ये बात अच्छी नहीं है, जिसको मुझे सुधारना है एट एनी कॉस्ट। पूरा था, वेरी गुड, फंटास्टिक। गुस्सा, खुद से कमिटेड नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश में जिसको अपडेट करना है वो अपडेटिंग रह जाती है। क्या बात है, किसको लगता है कि मैं भी कुछ कहूँ? 500 बालिकाओं ने अगर कुछ कुछ कहने का कोशिश किया तो मैं किसी के साथ भी माइक हटाने की कोशिश नहीं करूँगा, ध्यान में रखना। मैं आया हूँ आपके लिए, केवल मेरी तरल के लिए। कोशिश ये करना कि अंदर की बात जब तक बताओगी नहीं, आपकी डेयरिंग बोलो, आपका खुद का प्रेजेंस बोलो, वो किसी के समझ में नहीं आएगा। बोलोगी तो समझ में खुद के भी आएगा, बाकी सहेलियों को भी आएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ध्यान में रखना। और माइक मैं हर के पास नहीं ले जा सकूँगा, तो वहाँ से आप ज़ोर से बोल सकती हो, उसको मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगा। कम ऑन, सॉरी बेटा। क्या बात है, छोटी छोटी बातें पर मुझे गुस्सा आता है, चिढ़ जाती हूँ, फंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। कम ऑन, बहुत बढ़िया, बोलना। अरे बोलोगी तो मज़ा आएगा, मेरी तरफ टक टक देखने की बजाय आप अगर किसी सहेली को डुप्लीकेट भी करोगी तो ज़्यादा बेनिफिट पाओगी। टाइम पास के लिए तुम्हारे पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, और ये सारे गुरुवर्य जो सामने बैठे हैं उस चीज़ को लाभान्वित कराना चाहते हैं आपसे कि आपका जीवन सफल हो, ध्यान में रखना। दूसरों के वजह से खुद को हर्ट करना, दूसरों की वजह से खुद को हर्ट करना, इन द सेंस कंपेयर करना, औरों के साथ तुलना करोगी तो खुद की हाइट खुद ब खुद कम हो जाती है। भगवान ने जो दिया वो भरपूर दिया, पूरा दिया, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा जाता है कि मेरी सहेली कितनी अच्छी है। अरे तुझ में जो क्वालिटी दी उसको ढूंढने की कोशिश कर, किसी से तुलना करने की कभी जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कम ऑन, बोलो। खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाता, फिर वो चाहे गुस्सा हो, किसी की बात माननी हो, मैं खुद की ही बात प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, समथिंग लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। सुधारने योग्य बातें, इतना बोलने के बाद भी मेरी तरफ ऐसा गुस्से से देख रही हो, सर जितना जल्दी जो जो बोलना है बोलो, हम अंदर उतारने की कोशिश करने वाले हैं, ये नहीं चलेगा। कम ऑन, मैं उसको रिपीट करता हूँ, नींद पे कंट्रोल नहीं है, उसको दूसरे अर्थ से बोलेंगे हम कि थोड़ा आलस आता है, नो प्रॉब्लम। आलस है
तो आलस तो ये एज में स्वाभाविक है, आलस का कारण बहुत अलग अलग है, हम चर्चा करेंगे। जब मैं नर्वस होती हूँ या स्ट्रेस में होती हूँ तब मैं नाखून खाती हूँ, चबाती। क्या नाम बोली बेटा? तारका। तारका, अरे क्या डेरिंग है तारका तेरी, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि ऐसी बातें बोलने के लिए मन चाहिए, मन। और एक बात जो कहने जा रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करना, आप एकेडमिकली एजुकेशन के माध्यम से, एज के माध्यम से जैसी जैसी आगे जाओगी वैसी वैसी अपनों से डिस्कनेक्ट हो जाओगी। हेलो, थोड़ा दो पाँच साल पीछे आ जाओ और मम्मी पापा ने अगर आपको बाहर लेके नहीं गए तो पूरा घर सर पे उठाती थी आप, रोना धोना शुरू हो जाता था, मुझे क्यों नहीं लेके गए। अगर आज मम्मी पापा ने कहा मेरे साथ आती हो क्या, तो आपका आंसर डिसाइडेड है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी दोस्त आने वाली है, मैं नहीं आऊँगी, आपको जिधर जाना है जाके आ जाओ। जैसी जैसी बड़ी होगी अपनों से डिस्कनेक्ट होगी, ध्यान में रखना। सो कोशिश ये करना, अपनों के साथ जुड़े रहो, सक्सेस वहाँ छुपा हुआ है, ध्यान में रखना बेटियों। मम्मी पापा अगर कुछ कहते हैं ना तो मुझे ये आता है, मुझे सब समझता है, मुझे समझाने की कोशिश ना करे, ये बिल्कुल ना कहना। उनके हाँ में हाँ भी नहीं मिलाना, लेकिन जो मन में आया उसको आँखों में आँखें मिलाकर अच्छा सुनकर उनको उत्तर देना कि आप जो कह रहे हो मेरे अच्छे के लिए कह रहे हो और मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँगी, ध्यान में रखना। वातावरण बना रहेगा अच्छा रहेगा, उसको एक स्लोगन भी है, सुखी परिवार प्रगति का आधार। जिस घर में एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो उस घर के उदाहरण बाहर के परिवारों में दिए जाते हैं, ध्यान में रखना। अच्छी बात भी छुपती नहीं है, गलत बात करने से तो एकदम बहुत ज़्यादा फैलती है हम कहते हैं ना, लेकिन कुछ अच्छा काम भी करो वो भी छुपता नहीं है, वो भी नज़रों में आता है। छोटी छोटी बातों का कलेक्शन हमें कब ऊंचाई पर लेके जाएगा पता नहीं चलेगा, कहना है। मैं अननेसेसरीली टेंशन लेती हूँ, स्लो राइटिंग। बैठना बेटा, नो प्रॉब्लम। आपके दोनों के भी बहुत अच्छे, लेकिन क्या रहता, कौन सी स्टैंडर्ड में हो? सेवन स्टैंडर्ड। तू भी सेवन स्टैंडर्ड के? सिक्स स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड। जितनी छोटी बालिकाएं हैं उनका भी मैं जागृत नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया क्या? मैं पीछे गया, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बेटियाँ थी, शायद ग्रेजुएट भी हो, वो केवल देख रही थी, उनको बहुत कुछ आता था, लेकिन एटीट्यूड वही वाला था, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन ये दो पाँच मिनट से खड़ी भी रही और उनके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैं खुद को प्रेजेंट कैसा करूँ, ये भाव। मैंने अभी जो कहा था उसको अभी उदाहरण ही है, जैसी जैसी बड़ी होगी वैसा वैसा अपनों से डिस्कनेक्ट होगी, खुद से डिस्कनेक्ट होगी, ये कोशिश कभी नहीं करना। खुद में बहुत क्वालिटी है, आपको पता ही नहीं यहाँ कितना छुपा हुआ है, ये इसको खाली आपको बताने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया, ध्यान में रखना मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो नज़दीक का कोई भी बोलता था मैं बहुत लंबे से आया हूँ, इसके लिए नहीं बुलाया कि यार बेटियों को बिल्कुल अच्छा अच्छा दे दो, कोई अच्छा वाली बात होती नहीं है, आपके पास पूरा यहाँ पर रॉ मटेरियल तैयार है, केवल ढूंढने की बात है, बात समझना। चेहरे पे धूल लगी हुई है और हम आईना ही साफ करते रहते हैं, कभी साफ नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा था अंतर मन को टटोलो, जीवन बहुत अच्छा है, सुधारने योग्य बातें जो जो आपने कही, साधुवाद है आपको, और जो आपको लगा सारी आपकी सहेलियों की शायद लगा हो कि कुछ न कुछ ऐब, कुछ न कुछ कम अच्छी बातें मुझ में है, मैं उसको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। तीसरा सवाल, इस उम्र में डर किस चीज़ का लगता है, सोचो थोड़ा, बोलो मुझे, फिर मैं अलग टॉपिक निकालूंगा, खाली मुझे बोलो किस चीज़ का डर लगता है इस एज में, पर्टिकुलर एज में किस चीज़ का डर लगता है? क्वेश्चन समझ रही हो बेटा? हेलो, समझ में आया? किस चीज़ का डर लगता है? कम ऑन बोलना, मैं पकड़ लूँगा। क्या बात है, क्या नाम बोली? अंजलि के लिए क्लैपिंग्स हो जाए, परफेक्ट आंसर है ये। क्या कहा अंजलि ने पता है क्या? पढ़ाई तो बहुत की, रिजल्ट की मुझे पता है कि मेरे इतने परसेंटेज आने वाले हैं, नंबर्स आने वाले हैं,
मैं अस्वस्थ भी हूँ, लेकिन एक कोने में मन के डर ये भी है कि जितनी अपेक्षाएं है वो अपेक्षाओं के साथ मैं पूरी तरह से मम्मी पापा को खुद को खुश कर पाऊँगी क्या, मन में डर भी है, वो वाला डर, सक्सेस का डर। अंजलि सिट डाउन, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम बोली? पिंकी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। बात बात में घबराना कि किसी ने कुछ कहा तो, मुझे मुझ पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन अगर किसी के मन के मुताबिक मैं नहीं कह पाई, मुझसे कुछ हुआ नहीं, तो क्या कहेंगे लोग। बात समझ में आ गई? सो वही बात हो गई, कंपेयरिंग के जैसा ही ये है, लोग क्या कहेंगे। अपने रहो, थोड़े दूर के रहो, लोगों के प्रति हम अगर सोचते रहे तो खुद की क्वालिटी को कभी चांस नहीं मिलेगा। इसलिए गलती से औरों के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करना। अभी तो आपकी बहुत सारी सहेलियाँ वही तो विचार कर रही है, मैंने ना कहा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे लेकिन तुझे तो फ़र्क पड़ेगा, तू कहेगी तो तुझे तू मिलेगी, तू मैं मिलूँगी, मैं कहूँगी तो मैं मिलूँगी खुद को। ये तैयारी नहीं है आपकी। हाथ उठाने की क्या, सीधा खड़े रहना और बोल देना। अरे जब तक हंसेंगे नहीं तब तक चमत्कार नहीं होगा, और चमत्कार को नमस्कार है। मैंने कहा था खुद की पीठ थपथपाने का मौका किसी हालत में छोड़ना नहीं। कम ऑन, क्या बात है, मैं समझ गया हूँ। क्या नाम बोली? शुभी, बहुत बढ़िया शुभी। किसी अलग हटके कुछ करने का मन करता है, लेकिन उसमें मैं उसको परफॉर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये मन में बहुत ज़्यादा विचलितता होती है। सक्सेस होंगी या नहीं होंगी, समथिंग लाइक दैट। बहुत बढ़िया। डर बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन आपकी एज में डर दो तीन चीज़ों का है। इस सिनेरियो में, इस स्पर्धात्मक वातावरण में जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, हमारे ज़माने में कुछ नहीं था। ले हाँ कहना, नो प्रॉब्लम, वहीं से भी सुन लूँगा, उसको कवर करूँगा। कम ऑन, कम ऑन। कुछ अच्छा करने को सोचते हैं तो नकारात्मकता आ जाती है मन में, और उससे लगता है कि यार ना किया तो अच्छा। पता था, बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन फिर एक मन में आता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाया। तो डबल माइंड सिचुएशन में आदमी आगे पैर डालने की बजाय, आगे की सीढ़ी हासिल करने की बजाय पीछे जाता है। तो इसलिए डबल माइंड में कभी रहना नहीं, जहाँ हो उसको आगे की सोचो और उसको कवर करो। क्या नाम बोली बेटा? नेहा। सिंपल सी बात, बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छी सोच थी कि यार मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये दुविधा अवस्था में रहोगी तो फिर कर नहीं पाओगी जो आप में है। बात समझ में आ गई? सो सारी सहेलियों को, नेहा के सारे सहेलियों को मेरा मैसेज है कि जो भी मन में आए उसको पूरी तरह से डिलीवर्ड कर दो। मन में रखोगी तो मन में उसका बवाल खड़ा हो जाएगा, और फिर खुद का मन ही खुद को कचोटेगा बार बार कि अरे यार मैं जब अगर प्रेजेंट करती थी तो अच्छा भी होता था, और जो कुछ होना था तो हो जाता था, मन में तो नहीं रहता था। उसको मन में पाल के हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं, कैरी करते उसका बोझा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि हम जहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ भी नहीं कर पाते। नेहा गॉट इट, थैंक यू वेरी मच, सिट डाउन। बहुत बढ़िया, कम ऑन बेटा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, फंटास्टिक, बिल्कुल सही बात। हमारे मन के जैसा हम करते भी है, लेकिन फिर बाकी के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये मन में डर भी रहता है। बढ़िया, बिल्कुल सही बात। लाइफ में सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा डर ये है कि मैं मेरे जो सपनों के साथ जी रही हूँ उन सपनों को मैं हासिल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। कितना अच्छा जवाब, थैंक यू वेरी मच, सिट डाउन। कर भी सकते हैं, पर कभी कभी हम लोगों की सुन लेते हैं, जैसे कि किसी का सपना रहता है कुछ बनने का, पर वो सोचता है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि तुम अगर ये करोगी तो वो नहीं होगा, तो इंसल्ट का भी डर रहता है और खुद पर विश्वास भी नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहता है। प्रज्ञा,
प्रज्ञा का कहना जो है वो तो अपन ने रिपीट किया ऑलरेडी, लोग क्या कहेंगे उसमें ही अटक गई। बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये समय आज जितनी आपकी सहेलियों ने खड़े रहकर बोलो, बोलने की मंशा जाहिर करने की भावना बोलो, केवल 10% 5% आपकी सहेलियों ने कोशिश की, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं पूछो उनको, जिन्होंने खड़े रहकर बोलने की कोशिश की। और जो बैठकर आनंद ले रही है उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक प्रेजेंट नहीं करोगी ये समय बार बार नहीं आएगा, ये माहौल बार बार नहीं बनेगा। अपने क्लास में 30-35 बेटियों के सामने वहाँ नहीं बोल पाओगी, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ नहीं बोलोगी, 4 दिन से आप झांसी की रानी बनी हो, 4 दिन में आपने बहुत सारी बातें खुद तक पहुँचाई है, उसको अगर अभी इनकैश नहीं करोगी तो करोगी कब? सिंपल सी बात, अभी चांस है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ हूँ, या फिर दिन भर आपको जो भी चांस हो खुद को प्रेजेंट करने का, वो मौका गमाओ मत। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी एक ही बार नॉक करती है, बार बार नॉक नहीं करती, ध्यान में रखना, उसको इनकैश करने की कोशिश करना। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर बनाने में हम समय लगाते हैं और फिर पछताते रहते हैं, अरे यार मैं तो कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया, कर सकती तो थी, मुझे सपोर्ट किसी का नहीं मिला, फिर हम किसी और को दोष देते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो कोशिश ये करें, वो समय बाद में नहीं आने वाला है, ये समय में अगर करूँगी तो लोगों के नज़रों में भी आऊँगी और मेरा नाम भी निकलेगा। नाम के साथ जीना है, ध्यान में रखना बेटियों, बहुत वैल्यूएबल है हमारा नाम, उस नाम के अर्थ के साथ जीने की कोशिश करोगी, नेवर लुक बैक, बार बार कहता हूँ मैं, पीछे मुड़कर अगर देखना नहीं है तो खुद को प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत आने मत दो। अपने मन के भाव बोलो, कुछ भी बोलो, जो प्रेजेंट करोगी पाओगी 100%। कुछ कुछ बातें हमने शेयर की जिसमें की थी खुद के नाम का अर्थ हो, उसके बाद में सुधारने योग्य बातें, उसके बाद में डर चीज की क्या लगता है, ये भी हो गया। अब रही आपकी, आपके एज की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? महत्वाकांक्षा। जब तक डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करोगी मुझे क्या बनना है, आप बस में प्रवास कर रही हो और वो कंडक्टर साहब ने पूछा कहाँ का टिकट फाड़ू, आप कहती हो क्या कंडक्टर को, आपको जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ, चलेगा क्या? उसको बोलना पड़ेगा, इंदौर जाना है, भोपाल जाना है, जहाँ पर भी जाओगी बोलना पड़ेगा या नहीं बोलेगा, जब टिकट फाड़ेगा। जीवन की व्याख्या वही है, आपके एजुकेशन का मोड है, अभी आप विद्यार्थी हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्यूचर में मुझे बनना क्या है। जनरली हर परिवार में होता क्या है, मम्मी पापा अपने सपने अपने बच्चों से हासिल करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मम्मी बोलती है, पापा बोलते मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, अपने बच्चों में डॉक्टर और इंजीनियर ढूंढने की कोशिश करते मम्मी पापा, लेकिन बच्चों को कोई और सपना है। तो मम्मी पापा जो भी है, आपके मम्मी पापा रहते तो उनको भी मैं ये बोलता था, अपने बच्चों पे कोई चीज़ का प्रेशराइज मत करो, उनके मन के मुताबिक उनको होने दो। अरे यार आपकी पंखुड़ियाँ इतनी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगी, आप जो चाहे वो हासिल कर सकती हो, बरोबर है या नहीं है? कोशिश ये करो, लेकिन मम्मी पापा के आपोस जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन मम्मी पापा को समझाओ आप जो चाहते हो उसमें मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मैं यही करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मम्मी पापा मुझे ये करना है इसमें मैं ज़्यादा सक्सेस हासिल करूंगी, आपको आश्वस्त कराती हूं मैं, चिंता ना करना, आपके हाथ में, आप बोलोगी तो मम्मी पापा की समझ में आएगा। आजकल के हर परिवार में मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, मुझे इतना विश्वास है, लेकिन वो फ्रीडम के लिए आप करती क्या हो? मम्मी पापा को सपोर्ट करती हो या बार बार क्रिटिसाइज करती हो? हेलो, सुस्ता गई आप, हाय तो बहुत स्लो आया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट मैंने कहा था, आवाज ऐसी न चाहिए कि प्रीमाइसेस में गूंजनी चाहिए आवाज, ध्यान में रखना, जब जाके मजा आएगी, एकदम से बिल्कुल ऐसी बैठी हो कि यार मेरा कोई इसमें रोल है ही नहीं, और ये नहीं चलेगा। थोड़े देर के लिए हूँ मैं, पकड़ने की कोशिश करो, बहुत अलग अलग विषयों के साथ ये युवती सक्षमीकरण, स्मार्ट गर्ल जैसा दीदी ने कहा, ये स्मार्ट गर्ल का कार्यशाला 2 दिन की होती है और बेटियाँ 7 और 7 14 घंटे एक सरीका उसको 2 दिन में अपनाने की कोशिश करती है, अलग अलग टॉपिक के साथ।
और जीवन में उतारने के बाद वो कहती कि सर तीसरा दिन भी अगर लेते हो तो हम तैयार है, क्योंकि ये बातें अगर हमने जीवन में उतारी तो हमको जीवन में आगे जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतने अलग अलग विषय अच्छे अच्छे हैं। बात समझ में आ गई। एक विषय कौन सा है पता है क्या? एक विषय का नाम है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान पता है, जो मैंने अभी कहा पीठ थपथपाना, आत्मसम्मान। तीन बातें देखी जाती है इसमें आत्मसम्मान में। तुम्हारी एज में बालिकाओं का आत्मसम्मान कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं अभी इस ज़माने में है। पहले ज़माने में अपेक्षाएं नहीं थी। मम्मी पापा ने कहा, गर्दन नीचे झुकाई और वो काम किया। आज पूरी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता के माध्यम से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा टेंशन अभी टीनेजर्स के ऊपर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्पिटिशन है, खुद को प्रूव करना है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें कि खुद को स्टेबल बनाना है। तो सबसे पहले कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, वो क्या कारण है जिससे मेरा आत्मसम्मान लो हो जाता है? आपसे चाहिए मुझे, जिन बालिकाओं ने शेयरिंग नहीं किया अगर वो कहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सारी बालिकाओं का स्वागत है, जिसको भी कहना है। क्या कहना है? कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, वो क्या कारण है जिससे आत्मसम्मान कम हो सकता है? बात समझ में आ गई? मैं ठीक चल रहा हूँ ना? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। वो क्या कारण है जिससे मेरा आत्मसम्मान कम होता है? आपके पास आऊँगा। वो क्या कारण है जिससे आत्मसम्मान कम होता है? थोड़ा तो सोचो यार, इतने मैच्योरिटी है आप में, थैंक यू। लोग आपको बोलते कि नहीं कर सकते हो तो फिर आपको कम हो जाता है कॉन्फिडेंस आपका। किसी ने अगर मन दुखाने जैसी बात कही कि खुद ब खुद हमारा आत्मसम्मान, क्या नाम बोली? वृंदा, वेरी गुड वृंदा, थैंक यू वेरी मच। कंपैरिजन, किसी के साथ कंपैरिजन करते हम, तू ऐसी है मैं ऐसी ही हूँ, तो उस वजह से भी हमारा आत्मसम्मान, थैंक यू वेरी मच, डाउन। और आत्मसम्मान कम होने के कारण चाहता हूँ मैं, ये दो कारण से नहीं चलेगा, बहुत सारे कारण हैं, जितनी बालिका है उतने रीजंस। कमॉन, मैं सुनता हूँ वहाँ से, कमॉन। खुद पे विश्वास कम होना, नहीं होना नहीं, कम होना, विश्वास तो होता है, खुद पे विश्वास बिल्कुल होता है लेकिन कम होता है। किसी का ज़्यादा होता है जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, और किसी का थोड़ा कम होता है। होता तो ज़रूर है, विश्वास के बगैर आप यहाँ नहीं आ पाते। बात समझ में आ गई? विश्वास है आपका, आपके ऊपर भरपूर विश्वास है, गारंटी देता हूँ मैं, लेकिन कम विश्वास आत्मसम्मान कम कराता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, कम ऑन। कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम, पुरोथा, थैंक यू वेरी मच। खुद के बारे में अवेयर नहीं होना, कितनी सिंपल सी बात है, खुद के बारे में अवेयर नहीं होना। यार यार मुझ में ये क्वालिटी, में गाना बहुत अच्छा गाती हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है। किसी सहेली ने, किसी मेहमान ने कहा, अरे तेरा गला बहुत अच्छा है, जब जाके मेरे समझ में आया, फिर मैंने रियाज शुरू किया, फिर मैंने बिल्कुल, फिर वो क्या कहते उसको, वो आती ना म्यूजिक का करो फिर गाना गाना, कराओके। मैं बोला कोई तो भी कहेगा, कोई कहने को तैयार नहीं। फिर मैंने प्रैक्टिस की और फिर आज मैं हर कार्यक्रम में, फिर वो किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ कार्यक्रम हो, उसमें मैं गाना गाती हूँ। और लोग बहुत चाहते हैं कि आपके दो गाने सुनना है, एक गाना सुनना है। होता है नहीं होता है, किसी ने कहने के बाद हमारी क्वालिटी हमारे ध्यान में आती है, लेकिन कहने के पहले हमें पता ही नहीं होता है हम में क्या होता है। आत्मसम्मान में एक बात तो देखी हमने, कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। दुर्भाग्यवश किसी कारणवश आत्मसम्मान कम होना समझ में आता है, लेकिन अगर आत्मसम्मान कम हो तो उसके परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम समझ में आते हैं? हेलो हेलो, परिणाम पता है? परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस? क्या बात है, बहुत सारी मेरी सहेलियां डिप्रेशन में जा सकती है सर, ड्यू टू लो सेल्फ इस्टीम, आत्मसम्मान कम होने की वजह से डिप्रेशन में चले जा सकती है इस उम्र की बेटियां। कम ऑन अंजलि, सक्सेस से अपन दूर हो जाते, क्या नाम बोली?
अंजलि थैंक यू वेरी मच, सिट डाउन, बहुत बढ़िया। सक्सेस से हम दूर हो जाते, जो हम में क्वालिटी है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं देने की वजह से हम फेल्यूर हो सकते हैं, कितनी अच्छी बात। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होते हैं, कम ऑन, क्या बात है। कॉन्सिक्वेंसेस इन द सेंस, जब आत्मसम्मान कम होता है तो कोई भी कुछ कह दे हम उसको रिएक्ट नहीं कर पाते, उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था, आत्मसम्मान अच्छा था, कोई कुछ भी बोलता था तो हम उसका उत्तर दे सकते थे आंखों में आंखें डालकर, बिल्कुल सही बात। लेकिन आत्मसम्मान दुर्भाग्यवश कम हुआ सर, तो अभी किसी ने कुछ कहा ना तो कहने का मन नहीं करता, डर लगता है, कह नहीं पाती, अरे कुछ होगा तो, कुछ गलत हुआ तो, ये बातें मन में आती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। खुद पे विश्वास नहीं रहता, बिल्कुल सही बात, थैंक यू वेरी मच। पूजा दीदी है क्या यहाँ पर? 3 दिन के तुम्हारे इस कौशल शिविर की वजह से बेटियों में इतना प्रभाव पड़ा कि उनके आंसर इतने मैच्योरिटी लेवल के, दीदी मैं बाय हार्ट कह रहा हूँ, मुझे कोई प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सारी बातें बेटियों के हृदय तक पहुँची है, मैं गारंटी देता हूँ 100%। बहुत ही बढ़िया, इतना सटीक उत्तर था, गजब का। क्या कहा सहेली ने अभी, क्या नाम बोली बेटा? दाशिका, याशिका, थैंक यू याशिका। क्या कहा याशिका? मैं कुछ बोल, जैसे दो लोगों की बात चल रही है तो अपने को उस टॉपिक के बारे में पता होता है लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से। अभी कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम के तौर पर मैं जो कह रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करना, जो मुझे चाहिए था वो आपसे अलग अलग आया, 100% आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन जो मुझे चाहिए वो सिंपल सी बात है, आप सोचती नहीं हो। अभी गुरुवर ने मुझे कहा था कि जब तक चिंतन नहीं करोगे अंदर जाने का तो यार कुछ मज़ा नहीं आएगा इस जीवन का, कब निकल जाएगा हाथ से पता नहीं चलेगा। बात समझ में ले हो, अभी आपकी एज है, थोड़ा चिंतन मनन करो, जो पढ़ाई करती हो उसके बारे में सोचो तो पाओगी कुछ ना कुछ। मैं जो कह रहा हूँ, अभी आत्मविश्वास कम तो होता है बहुत सारे कारण से, मम्मी गुस्सा करती है, सहेली गुस्सा करती है, क्या बार बार टोकती है, एक ही बात बार बार कहती है तो गुस्सा आता है, आत्मसम्मान कम हो जाता है, होता है नहीं होता है? सहेली ने डांटा तो आत्मसम्मान कम होता है नहीं होता है? जरूर होता है। परिणाम क्या होता है? फिर वो सहेली दिखी तो उसके साथ रहने का मन नहीं करता, परिणाम हुआ या नहीं हुआ? कितना सिंपल है यार, अकेले रहने की भावना बढ़ती है। पहले ग्रुप के साथ शेयर करती थी, मज़ा आती थी, एंजॉय करती थी, खुद को प्रेजेंट करती थी, अब आत्मसम्मान कम होने से वही 4-5 सहेलियों का ग्रुप अच्छा नहीं लगने लगा, डर लगने लगा, उनमें मैं जाऊँ कैसा, मुझे टारगेट बनाएंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, मैं नहीं जाऊँ उनके पास, होता या नहीं होता है? उसके बाद में अपने स्टडी रूम में जाकर वो पिल्लों को गीला करने का भी मन करता है, आंखें नम हो जाती है, आंखों से पानी आ जाता है। आत्मसम्मान दुर्भाग्यवश किसी कारण से भी हो, मन में बहुत सारी बातें आती है, आती या नहीं आती है? 100% आती है। परिणाम के तौर पर मेहमान पहले घर पे आते थे किसी कार्यक्रम की वजह से तो टूट पड़ते थे मेहमानों के ऊपर, हम एंजॉय करते थे, सबके साथ घुल मिल जाते थे, बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आत्मसम्मान कम होने के बाद परिणाम के तौर पर वही मेहमान घर पे आने के बाद डर लगने लगा, मेरा विषय निकलता क्या, मैंने इनके सामने जाऊंगी, मन में कहीं ना कहीं वो बदलाव आता है। ये भी परिणाम होते हैं, होते या नहीं होते हैं? हो सकते हैं। बोला बेटा। सर स्टेज पर नहीं जा पाते, स्टेज का फियर होता है, लेकिन स्टेज का फियर लो कॉन्फिडेंस की वजह से, परिणाम नहीं होते बेटा। परिणाम तो होते हैं, सब प्रिपरेशन किया, बिल्कुल 8 दिन से प्रिपरेशन किया और माइक हाथ में आ गया फिर भी लटपटा रहे हैं, दैट इज परिणाम, आत्मसम्मान कम। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अपने आप को कमजोर समझ लेना कि हम कमजोर समझना, सिंपल सी बात है, लो सेल्फ इस्टीम में अपने आप को कमजोर समझना, ये बहुत सारी बातें हैं। दो बातें तो देखी हमने, कॉजेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। आता हूँ तेरे पास बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा बोल। फिर तू बोलेगी मुझे कहना था, मैंने कब तक नहीं कहा।
हम हमारे कोई भी चीज़ हमारे बाय हार्ट से करते हैं, बट उसके बाद किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो हाँ, रिस्पॉन्स नहीं होने की वजह से फिर मन नहीं करता कि भाई नेक्स्ट टाइम मैं कुछ कहूँ। बहुत बढ़िया, क्या छोटी बेटी लेकिन उसने बहुत मैच्योरिटी वाली बात कही, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, कुछ बातें करते हैं लेकिन किसी से रिस्पॉन्स ना मिला, आत्मसम्मान एकदम डाउन हो गया। कितनी अच्छी बात, दो बातें देखी, कारण भी देखे परिणाम भी देखे, तीसरा क्या हो सकता है? आत्मसम्मान कम हुआ, कारण ढूंढे हमने, और कारण ढूंढने के बाद परिणाम भी ढूंढे, बिहेवियर कैसा हुआ, व्यवहार में चाल चलन में क्या फर्क पड़ा, ये भी बातें देखी हमने तुम्हारे एज के स्पेशल ग्रुप के लिए। लेकिन अब जो मैं चाहता हूँ उसको पकड़ने की कोशिश करना, तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात क्या हो सकती है? आत्मसम्मान को डबल से बिल्ड ना करना, मतलब ऐसा कि आपने आत्मसम्मान खो दिया है, परिणाम भी आपने देख लिए हैं, पर यदि आप उसको बिल्ड नहीं कर पाएंगे, उसकी नींव डबल से नहीं रख पाएंगे तो आत्मविश्वास और डाउन हो जाएगा। पूजा सोलंकी, पूजा का कहना है कि उसको बिल्ड करना जरूरी है, तो तीसरी बात वही है, रिकवरी कैसी की जाए, क्या कर सकते हैं? कारण ढूंढे, परिणाम ढूंढे, अब फिर से हमें आत्मसम्मान पाना है, क्या करना चाहिए? दो तीन बेटियों से अपेक्षा है मुझे, फिर मैं कमा लोगों की बातों पर ध्यान देना कम कर देना चाहिए और अपने मन पे विश्वास रखना चाहिए और उस बात को करना चाहिए जो अपने को काम करना है। बहुत बढ़िया अंजलि। हमें जिसमें लग रहा है कि हम इसमें कमज़ोर और उसके कारण अपन का आत्मविश्वास कम हो रहा है तो उसका अभ्यास करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, होता तो है ही, मैंने कहा था उसको बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन बढ़ाने के तरीके कैसे पता है क्या? बढ़ाने के लिए अच्छा एसोसिएशन, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं उनके साथ रहना, मम्मी पापा के साथ रहना, दोस्तों के साथ रहना अच्छे, पेरेंट्स का सहारा लेना, उनके साथ शेयरिंग करना, यार यार मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें से मैं बाहर कैसा निकलूँ? मम्मी पापा अपने अनुभव के हिसाब से आपको डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो हुआ था उसको ऊंचा उठाने के लिए मदद करेंगे, लेकिन खुद को सरेंडर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टैंड? बहुत सारी बातें, थैंक यू वेरी मच। कुछ अलग से लेंगे हम थोड़ा, अभी अपने पास 15 चलेगा ना, 15-20 मिनट, तैयार हो? थोड़ी थकी थकी सी लग रही हो, अरे क्या बात, बहुत बड़ी बात कही। कोई बात नहीं, अब इस प्रोसेस में मैंने कुछ आपके लिए वो पढ़वाने के लिए लाया हूँ, वो आपको भी फिर वो भी एनर्जेटिक रहेगा, कोशिश करते उसके साथ भी हम ट्रैवलिंग करें। अभी आपके साथ शायद जब कल समापन का कार्यक्रम शायद होगा ना, तो समापन के कार्यक्रम में आपसे कहा जाएगा खुद में बदलाव क्या क्या चाहती हो। यहाँ से 4 दिन में जो जो भी आपने पकड़ा है, नो प्रॉब्लम, जो भी आपने पकड़ा है, जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपने मन में उतारा है, उसको जीवन में उतारने के लिए आप क्या करोगी? तो जिसने भी डिसाइड किया, आपके भाव बहुत मायने रखेंगे यहाँ पर, आपको जिन्होंने लाया उनके लिए भी, यहाँ पर एक महीने भर से आपके लिए तैयारी की जा रही है उनके लिए भी, आपके मम्मी पापा के लिए भी, ये बातें बहुत मायने रखेगी कि आपने ये 4 दिन में जो कुछ भी हासिल किया उसको जीवन में कैसे उतारोगी, इसका प्रिपरेशन करना, कल आपको बात करनी पड़ेगी। अभी नहीं पूछूंगा मैं जो जो लिखा है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किसको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से, मैं जो पढ़ूंगी
और मेरे सारे सहेलियों तक पहुंचेगा। चार लाइन पढ़ना है, ऐसी पढ़ना है कि अपने सहेलियों तक उसका मैसेज जाए। किसको लगता है पढ़ना है? पढ़ोगी? ये मैटर पढ़ना है हेडिंग के साथ और सारी सहेलियों तक पहुंचे। आराम से एक एक लाइन सुनना है इसको, ये आपके बहुत काम का। स्व जागरूकता की चार लाइनें पढ़ रही हूँ। क्या हम खुद को पूरी तरह जानते हैं? रुकना, रुकना। इसके ऊपर सोचना थोड़ा। पूजा, पूजा ने जो कहा उसको सोचने की बात है। एक एक लाइन को थोड़ा अंदर जाने देना। मैंने यूं ही नहीं बनाया कि आपके लिए बहुत उपयुक्तता सिद्ध होगा, मैं गारंटी देता हूँ। पूजा और एक बार। क्या हम खुद को पूरी तरह जानते हैं? पहचानते हैं? खुद को जानना अत्यधिक जरूरी है। खुद को जानना अत्यधिक जरूरी है तथा महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल सही। हो गया? और पूरा हो गया? अभी और। हाँ, पढ़ना पूरा पढ़ना। अपने आप को जानेंगे तो अपनी स्ट्रेंथ का तथा वीकनेस पचुप होती। जिसी स्ट्रेंथ की मेंटेन करने तथा वीकनेस को ओवरकम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। ये है स्व जागरूकता। बात समझ में आ गई? स्व जागरूकता में सेल्फ अवेयरनेस। अभी पूजा ने बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि हम खुद को पूरी तरह से जानते हैं क्या। कोशिश ये करना कि मेरे मम्मी पापा मुझसे क्या अपेक्षाएं लगा के बैठे हुए हैं। बहुत अंदर की बात कह रहा हूँ मैं। सोचना इस बात को, हर मम्मी पापा को अपनी लाडली बिटिया से बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और 100% पूरी करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका मन दुखे ऐसा कोई व्यवहार आपसे ना हो, इतनी तो अपेक्षा उनकी आप पूरी कर सकती हो। हेलो, कर सकती हो या नहीं कर सकती हो? 100% ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं कहा था मौज करो, मस्ती करो, लेकिन मम्मी पापा के अगेंस्ट इतना मत जाओ जिसको कि उनको दुख पहुँचे। हेलो, ये कोशिश करो। खुद को जानना अत्यधिक ज़रूरी है तथा महत्वपूर्ण भी है। अपने आप को जानोगी तो अपनी स्ट्रेंथ तथा वीकनेस, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है बेटियों, ध्यान में रखना। मुझ में क्या स्ट्रेंथ है, मैंने 7 दिन का आपको होमवर्क दिया है। एक पेज पर मैंने दिन भर बिस्तर छोड़ने के बाद और बिस्तर पर जाने तक मैंने क्या अच्छा अच्छा किया। स्ट्रेंथ, वीकनेस, मैं कहाँ कहाँ कम पड़ी, दूसरे पेज पर। ये 7 पेज अच्छे, 7 पेज कम अच्छे। 8वें दिन आप खुद को टटोलने में बहुत आसानी महसूस करोगी कि अरे यार, मैं इससे तो अच्छा और अच्छा कर सकती हूँ, गारंटी देता हूँ मैं। ये है स्व जागरूकता, ये है आत्मजानियों, ये है सेल्फ अवेयरनेस। अंडरस्टैंड? दूसरा एक लाइन है, कौन पढ़ना चाहता है? पीछे से कोई आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ से भी पढ़ सकती हो, मैं आता हूँ आपके पास। दूसरा एक टॉपिक पढ़ना है जो मैसेज अच्छा जाएगा आपके सहेलियों तक और आप शेयर करोगी तो पहुंचेगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो मजा नहीं आएगी। कम ऑन, हमने देखा हुआ टॉपिक है आत्मसम्मान और आत्मसम्मान के बारे में आपकी सहेली पुरोधा बात कर रही है। दिस वन पढ़ना आराम से, माइक नजदीक लेना। इतना पूरा है? ये पूरा पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना, सब बेटियों तक पहुंचना चाहिए। कम ऑन, आराम से पढ़ना। ओके, कम ऑन, पुरोधा। हर व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं का आत्मसम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और एक बार पढ़ना उसको। हर व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं का आत्मसम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ओके। कमजोर आत्मा सम्मान के लोग किसी के भी बहकावे में फुर्सत में आकर अपना जीवन खतरे में डाल देते हैं। कमजोर आत्मा सम्मान के लोग किसी के भी बहकावे में व फुसलाने में आकर अपना जीवन खतरे में डाल देते हैं। अतः जरूरी है योग्य आत्मा सम्मान बनाए रखने की। इसी तरह स्वयं की रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अतः जरूरी है कि हमें विभिन्न कारणगर
कारण अतः जरूरी है कि हमें विभिन्न कारण व्यावहारिक तथा थैंक यू नो प्रॉब्लम। कोशिश अच्छी है। आत्मसम्मान के बारे में हमने देखा था, हर व्यक्ति के जीवन में उसके स्वयं का आत्मसम्मान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, अच्छा नहीं लगता है, आत्मसम्मान कम होता है, परिणाम के तौर पर उसका पूरा बिहेवियर चेंज होता है। सो ऐसा ना होने के लिए अपेक्षाएं कम रखे, मम्मी पापा के साथ जुड़े रहे, अच्छा वातावरण बनाए। जीवन सफल होने में छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज़रूरी मदद मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, देखते हैं, मेरे पास और बहुत सारे टॉपिक थे लेकिन कुछ बचा हुआ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्या, वो देखता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसा आपको बनना है। एक मेरे पास स्टोरी है, स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी आपके माध्यम से ही पूरे सहेलियों तक पहुँचे, केवल 2-3 मिनट लगने वाले। इसको स्टोरी पकड़ने की कोशिश करो और फिर उसका हेडिंग ही है ऐसा क्यों हुआ होगा, व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ होगा। बहुत अच्छी कहानी है ये और बिल्कुल सिंपल सी है, इसको पकड़ने की कोशिश करना, इसके बारे में कहना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आपके समझ में आया तो आपको लगेगा कि यार मैंने क्या करना चाहिए। कौन पढ़ने वाला है, कम ऑन अंजलि, आराम से पढ़ना, अपने सहेलियों तक पहुँचे ऐसा पढ़ना, ऐसा आ जाओ, आराम से पढ़ना। स्टोरी है, उसको पकड़ने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बन सकती क्या, इसके लिए जाना जरूरी है, ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ, नवीं कक्षा के विद्यार्थी शेर के लिए एक मंदिर गयों में 10,000 सीढ़ियाँ थी। सभी लड़कियाँ और शिक्षक 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद रुक गए, किंतु 4 लड़कियों का एक समूह सभी 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ता चाहता था। बिना किसी वरिष्ठ व्यक्ति को साथ लिए आगे जाने के लिए अनुमति मिलना बहुत कठिन था, क्योंकि वह जोखिम भरा था। तब भी इस समूह से एक लड़की ने हाँ अनुमति मांगने के लिए शिक्षिका के पास गई। शिक्षिका ने उसे कहा, ओह नेहा, यदि तुम इस समूह में हो तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, जाओ और सुरक्षित यात्रा करो, लुफ्त उठाओ, अपना ख्याल रखो और समय पर वापस आ जाना। ऐसा क्यों हुआ, संपूर्ण वर्ग। ओके, स्टोरी किस किस को समझ में आ गई, स्टोरी केवल समझ में आई क्या। देखो, आप सारी बेटियों की एक ट्रिप निकाली गई, मैं फिर से एक बार वो स्टोरी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, पकड़ने की कोशिश करना। सबको लगता है कि मैं नेहा जैसी हूँ, लेकिन सच्ची में मैं हूँ क्या, इसका परीक्षण आपको करना है, ध्यान में रखना। मैं यूँ टाइम पास के लिए पेपर आपके लिए नहीं लाया। आप सारी बेटियों का इस शिविर के माध्यम से एक ट्रिप निकाली गई, जिसमें कि आपको खाना भी खाना था और भगवान के दर्शन भी करने थे, लेकिन भगवान का मंदिर था ऊंची पहाड़ियों पर। सीढ़ियाँ कितनी थी, अभी अंजलि ने कहा 10,000 सीढ़ियाँ थी या नहीं थी। लेकिन सारी बालिकाओं को जिन्होंने इस ट्रिप को लेके गए, उनमें से कुछ जो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी थे, वो 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थक गए और उन्होंने क्या कहा, अब हमसे नहीं बन पाएगा। आप में से बहुत सारी सहेलियाँ एकदम से खुश हो गई, अरे अच्छा होगा, मुझे भी बहुत कंटाला आ गया था, अब यहीं हम हाथ जोड़ेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और टिफिन खाने बैठ जाएंगे। लेकिन एक ग्रुप था जिसकी लीडर थी नेहा, हेलो, और नेहा अपने ग्रुप के साथ वो मैनेजमेंट कमेटी के पास जाती है और उनको क्या कहती है, हमें बची हुई कितनी सीढ़ियाँ बची, 5,000 सीढ़ियाँ बची, वो 5,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं और बाद में टिफिन खाना है। विदाउट योर परमिशन हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप परमिशन दोगे तो हम जा पाएंगे। और जैसे वो मैनेजमेंट कमेटी के ध्यान नेहा की तरफ जाता है, तो मैनेजमेंट कमेटी के जो कुछ मेन थे वो एकदम उत्साहित हो गए, खुश भी हो गए और उन्होंने क्या कहा, ओ नेहा तू है क्या, फिर हमें डरने की कोई बात नहीं, अच्छे से जाना, समय रहते वापस आना।
और स्टोरीज ओवर, और उसके बाद टैग लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा, आपसे चाहिए मुझे। हाँ कम ऑन, टीचर को नेहा पर पूरा विश्वास था कि वो जितना बोलेगी उतना करके बताएगी। हाँ क्या लगता है आपको, कम ऑन, स्टोरी समझ में आ गई? हाँ कम ऑन, आत्मविश्वास था अभी। ओके नो प्रॉब्लम, ओके कम ऑन। टीचर को उस पर विश्वास था कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड, रिस्पॉन्सिबल, अच्छा वर्ड। क्या नाम बोली तेरा? बहुत जिम्मेवारी के साथ नेहा हर विषय को न्याय देती है, वो टीचर्स को पता था। अब मैं अंजलि कहना चाहती हूँ कुछ, फिर मैं नेहा का स्वभाव आप तक पहुँचाता हूँ, फिर मैं वैसी स्वभाव की हूँ क्या आपको ढूंढना है। नेहा एक दृढ़ निश्चय लड़की है, ये शिक्षिका को पता था कि वो अगर कह रही है तो वो 10,000 सीढ़ियों तक जाएगी और दर्शन कर कर लौट आएगी। बहुत बढ़िया, अभी अरे यार ताली ऐसी क्यों, अपने सहेली को अगर अपने सहेली को अप्रिसिएट करना चाहती हो तो पूरे मन से करो यार, उसका भी उत्साह बढ़े, आपको भी अच्छा लगे। मैं ये तो कहने वाली थी, मैं नहीं कह पाई, लेकिन मेरी सहेली अंजलि ने कहा ना तो उसका अप्रिसिएशन तो होना चाहिए, ये भाव भी चाहिए। इसको कहते हेल्दी कॉम्पिटिशन, किसी और की अच्छाइयाँ हृदय से अगर हम स्वीकारते हैं तो हम आगे की सीढ़ी अचीव करने के लिए भगवान हमें मार्ग सुकर कर देता है। ध्यान में रखना बेटियों, किसी के साथ कंपेयर मत करना, लेकिन किसी को अपलिफ्ट करने में मदद करना, ध्यान में रखना। नेहा का नेचर बोल रहा हूँ समझना, मैं उस फ्रेम में बैठ सकती हूँ क्या? नेहा का नेचर टीचर के माध्यम से कैसा था? नेहा इतनी कमिटेड थी, जितना बोलती थी उतना करती थी, और जितना कर सकती थी उतना ही बोलती थी। हेलो, इस वजह से ओ नेहा तू है क्या, फिर हमें डरने की कोई बात नहीं, अच्छे से जाना, समय रहते वापस आना। ऐसा क्यों हुआ होगा? आपकी कुछ सहेलियों ने सपोर्ट किया, बहुत सारी सहेलियों के मन में था कि मैं भी कह सकती थी, कह नहीं पाई। मौका बाद में आने वाला नहीं है, ये माहौल बाद में बनने वाला नहीं है। जो सिचुएशन, जिसको कहते हैं ना कि वर्तमान में जीना है, तो ये वाला वर्तमान है, ये समय गया, सिचुएशन हट गई। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज और एक्टिविटीज़ यहाँ पर भी प्ले करने के लिए मेरे पास है, लेकिन मेरा समय अभी, मैं रुकना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छे से डाइजेस्ट किया, अलग अलग विषय लेकर फिर कभी सहयोग बनेंगे, मैं आपके साथ हूँ। आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, सपोर्ट भी किया, लेकिन विगत चार दिन ये वाला सेशन 1.25 घंटे का अगर होगा भी, आपने इसको स्वीकारा भी, इसके साथ साथ चार दिन में जो भी मंत्रोच्चार हो, जो भी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उपयुक्तता सिद्ध करनी हो, उसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करना बेटियों। जीवन में ये चार दिन आपके बिल्कुल लंबे समय तक आपका साथ दे, ऐसी अपेक्षाएं करता हूँ। और फिर से एक बार आभार व्यक्त करके मैं रुकता हूँ। देश की वीरांगनाओं की, देश की महाविद्या की, उपविश। प्यारी बेटियों, अभी हमने आदरणीय सम्माननीय रत्नाकर जी को सुना, और बहुत ही अद्भुत तरीके से आपने आपके व्यक्तित्व को, आपके भावी जीवन के कृतित्व को, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन, और आपकी जीनंदनी जीवन की समस्याओं के मौलिक व्यक्तिगत जीवन में जो उठने वाले प्रश्न है, उनके साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति नीति से और प्यार भरी आत्मीयता से संवाद भी किया। हर वक्ता की अपनी सहेली होती है, हर श्रोता की अपनी सुनने की समझ होती है। आप कौन है? आप वक्ता है कि श्रोता है? तो आप सोते हैं कि सुनते हैं? अच्छा, सुनते हैं तो मनन करते हैं कि केवल सुनते हैं? अच्छा, मनन करते हैं तो उसको संकल्प में बदलते हैं या केवल उसके लिए ताली बजाते हैं? यदि संकल्प में बदलते हैं तो हर संकल्प सिद्धि की ओर जाता है कि नहीं जाता है? प्यारी बेटियों, मैं एक किसान का बच्चा हूं, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। 8वीं की परीक्षा के बाद मेरे पास में स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे,
मैं सोचता था कि मेरे पिताजी आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे, तो मैंने एक किसान के घर पार्ट टाइम 2 घंटा गाय चराने की ड्यूटी ली और उसने कहा कि मैं हर दिन 10 रुपया दूंगा और मेरा उस समय खर्चा 10 रुपये का ही था और मैंने 10 रुपया कमा करके अपनी 9th की पढ़ाई करी। और जब मैं सेंधवा आया तो एक धकेल गाड़ी के ठेले में अपनी जिंदगी को मैंने आरंभ किया। और मैं जब धोती को फट जाती थी तो आपकी माताएं करती थी ऐसी, मैंने मेरी माँ को देखा, वो साड़ी को बीच में से फाड़ लेती थी क्योंकि साड़ी अक्सर इस जगह से फटती थी और दोनों किनारे साड़ी के अच्छे रहते थे क्योंकि वो पटलून पे रहते थे इसलिए वो मजबूत रहते थे। उसको गांव की भाषा में बोलते थे डांडई धोती डांडई साड़ी, क्यों माता जी? तो मैंने क्या करा, मेरी फटी हुई धोती को काट ली और एक टेलर के पास गया, उसको सिलवा लिया। अब मैंने डांडई धोती पहन ली, एक सज्जन मेरे पास आया और उसने कहा पंडित जी भगवान को इस प्रकार से जोड़े हुए कपड़े में भगवान की आरती नहीं करते हैं, उसने ऐसा कहा। मैंने उसको उत्तर क्या दिया ध्यान से सुनना, मैं कहा कि भैया मैं भगवान से जोड़ने का काम करता हूं, भगवान मेरे कपड़े नहीं देखता, मेरी नियत देखता है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोगों में इतने भ्रम पैदा कर रखे हैं, इतनी शंकाएं पैदा कर रखी है, मानो ऐसा मानते हैं लोग कि गरीब के घर में पैदा होना दुर्भाग्य है। लेकिन मैं कहता हूं गरीबी में मरना दुर्भाग्य है, गरीब के घर में पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है। भगवान ने हम सबके अंदर एक हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है, एक ताकत दिया है। 2 महीने पहले की घटना है, मेरी कुटिया के सामने एक घोंसला टंगा था, उसमें एक चिड़िया ने 2 अंडे दिए, वो अंडे थोड़े बड़े हुए, माँ की कृपा से बच्चे बाहर निकल आए। अब एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा चिड़िया दूर गई दाने लेके आई, अच्छा दाना भी खिलाने का मैंने आंखों से तरीका देखा, पहले बच्चे को 2 दाने दिए, फिर उसको चोंच मारी, उसका गत्तू आप नीचे जाओ दूसरे को खिलाऊंगी, वो ऊपर आया 2 दाने उसको दिए। मैं कहा यार कितनी दयालु है, 4 दाने तो लाई लेकिन 2-2 दाने दोनों के मुंह में दिए और प्यार से उनको सुला दिया। फिर और दूर गई और 1-2 घंटे बाद फिर आई और फिर कुछ खाने को लाई, फिर वापस उनको बोला, बोले आओ बेटा थोड़ा थोड़ा दोनों मिल बांट के खा लो। ये मैंने देखा उनको 7 दिन तक। अब 8वें दिन वो माँ जब आई तो दाना लेकर के नहीं आई, वो जैसे आई वो दोनों बच्चे एक साथ किनारे पर आ गए थे क्योंकि प्रभु ने प्रकृति ने कृपा कर दी कि उन दोनों के पैर मजबूत हो गए और दोनों बच्चे आँख खोल चुके थे, बोलने लग गए थे और दोनों के छोटे छोटे पंख आ गए थे। अब उसकी माँ ने क्या बोला, मैं पक्षियों की भाषा जानता हूँ, पेड़ों की भाषा जानता हूँ, गायों की जानता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत गंभीर पढ़ाई करी है और आपको पढ़ाई करनी हो तो गुरु जी की किताब है दृश्य जगत की अदृश्य पहली, मैंने मेरी पोती को भी वो किताब पढ़ी वेदिका को और इसको मैंने फिर चींटियों से पक्षियों से सांप से बात करना सिखाया। खड़ी हो, वो किताब में है कि नहीं, मजेदार बातें। किताब का नाम क्या है, दृश्य जगत की अदृश्य पहलियां। ये जो कुछ दुनिया दिखाई दे रही है बेटा ये इतनी नहीं है, इनसे थोड़ा बात करना सीखो। मेरा निवेदन है आपसे, मैंने जैसे वो चिड़िया को कहा, मैं कहा कि बहन आज इन बच्चों के लिए तू इतनी देर से आई, ये बच्चे बहुत देर से सोच रहे थे माँ आएगी माँ आएगी, 2 दाने लाएगी फिर हमको खिलाएगी, लेकिन आज तू कुछ लाई क्यों नहीं? तो फिर उसने पहले मुझे उत्तर दिया, मेरे परिवार की परंपरा है, अब देखो क्या परंपरा है। बच्चों से उसने कहा बच्चों अब तुम्हारा दाना पानी इस घोंसले में नहीं है, क्यों? क्योंकि विधाता को धन्यवाद दो कि उड़ने के लिए पंख मिल गए, चलने के लिए 2 टांगे मिल गई, बेटा अब ये घोंसला मैं तोड़ने वाली हूँ और ऐसा घोंसला मेरे साथ तुम स्वयं इस घोंसले को खोल के बताओ ताकि जो खोलना सीखेगा वो बनाना सीखेगा। अब ये घोंसला मेरे साथ तुम खोलो, मैंने बनाना सीखा था मेरी माँ से, तुम भी घर बनाना सीखो। और वो माँ उड़ के चली गई और वो बच्चा घर बनाना सीख गया और 2 दाने कमाना सीख गया और 7 दिन की रोटी ही माँ बाप की अच्छी लगती है। और जवानी के बाद यदि बच्चे माँ बाप की रोटी खाते तो इसको कहते हैं, जल्दी बोलो,
बाप कमाई, क्या कहते हैं? तो अपनी कमाई पे जीना है कि बाप कमाई पे जीना है? जो अपनी कमाई पे जीना चाहते हैं बच्चों, उनको अपना घर बनाना सीखना चाहिए। अब तुम बताओ, तुम जितनी बेटियां हो, तुम्हारा घर तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अभी तुम कहां रहती हो? अभी तुम अपने घर में रहती हो कि पिता के घर में रहती हो? अब मेरे बात बोलो, पिता के घर से अपने घर जाऊंगी एक दिन, अपने घर को घरवाली बन के घर बनाना सीखूंगी। हमारे गांव की भाषा में माताओं को कहते हैं कि ये किसकी घरवाली है? घरवाली का मतलब बहुत गहरा होता है। ये घर की रखवाली है, ये घर की सस्ता पिका है। लेकिन पढ़ी लिखी बेटियां क्या करती है? घर बनाने के बजाय घर तोड़ने का काम करती है। बोले घर में बुढ़ा बुढ़ी नहीं होना, घर में अपने को पार्टी करना है, फिर किटी पार्टी में जाना है, मेकअप करना है, कम कपड़े पहनना है। और ये बुढ़ा बुढ़ी रहते ना तो बहुत शर्म आती, बहुत मर्यादाएं करना पड़ती है। इसलिए यदि घर में किसी को माइनस करना है तो ये बड़े बड़े लंबी उम्र के, लंबी लंबी जड़ों के छायादार वृक्ष पहले अलग करो, तो सोच के देखो तुम कहां खड़े रहोगे। यदि जड़ें ही उखाड़ दोगे, गहरी छाया ही छोड़ दोगे, और जो जड़ों से नहीं जुड़ा है, जो बुजुर्गों की छाया में नहीं पला बड़ा है, उसको परिवार नहीं कहते, उसको होटल कहते हैं। होटल से बचो और परिवार की तरफ चिंतन करो। और अपने घर में यदि किसी के भी यदि ऐसा होता हो, घर की बुजुर्गों की जड़ों को उखाड़ने का काम, तो पहले उन जड़ों को मजबूत करना, उनकी छाया में बैठना, अपना हर खुशी हर घर के आंगन में जो भी मिले उसको पहले बुजुर्गों को बताओ। स्कूल का पुरस्कार, मेरी पोती जब भी उसको रिजल्ट मिलता है तो सबसे पहले हमारे पास आती है और हमको बताती है। उस रात हमारे साथ रहती है और पूरा बताती है कि दादी ऐसा ऐसा मैंने लिखा, इतने नंबर लाई, दादाजी इतने नंबर से मैं पास हुई। हम उसके साथ साल भर पढ़ाई करने नहीं गए, लेकिन बच्चों का पहला काम अपना रिजल्ट अपने दादा दादी को बताओ। इसका फायदा क्या होगा वो अगली कक्षा में देखना। दादा दादी ने भले इतनी नहीं पढ़ाई करी है, हमारे बच्चे जो पढ़ते ना वो किताब हमारे ऊपर से जाती है, लेकिन याद रखना हमारे दिल की किताब इतनी महंगी है जो दुनिया की कोई पाठ्यक्रम का लेखक लिख नहीं सकता। जो विधाता ने दिल में किताब लिखी है कि हर नाती पोती बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम इनको आशीर्वाद देते रहें और सिर पे हाथ घुमा दे और कहें कि वाह बेटा चलो अब अगली पढ़ाई और अच्छी करना। इतने शब्द तुमको कोई मोबाइल का हीरो हीरोइन और तुम्हारे घर के बाहर का व्यक्ति वो नहीं दे सकता जो घर की जड़ों से मिलेगा। बात पक्की है? मंजूर है? बोलो मंजूर है? कहो कहो, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में मैं आप लोगों के परिवार को, बहुत सारी बेटियों के परिवारों को मैं जानता हूं। कितनी बेटियां ऐसी जिनके गांव में मैं आया तो हाथ ऊंची करे, देखो इतनी बेटियां जिनके गांव में मैं गया था अब हाथ नीचे करें। कितनी बेटियां ऐसे जिनके घर पे मैं गया था, देखो इतनी बेटियां जिनके घर पे भी मैं जाके आया हूं। अब कितनी बेटियां ऐसी है जो पाटीदार समाज की है, देखो इतनी बेटियां जिनके कुल में मैंने जन्म लिया, इतनी बेटियां इनके कुल में मैंने जन्म लिया। हम हर जगह गर्व महसूस करते हैं कि साहब जिस जाति में जन्म लिया हो, जिस राष्ट्र में जन्म लिया हो, जिस देश में जन्म लिया हो, जिसके घर गए हो, जिसके गांव गए हो और जिसके घर का हमने अन्न जल लिया, उनके प्रति भी हम जब साधना करते हैं ना तो दो बार हम पानी छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? कि हे प्रभु जिनसे हमारा दृश्य अदृश्य दो प्रकार के रिश्ते रहते हैं, तो दो अचमनी जल छोड़ करके ही पूजा के आसन से हम लोग उठते हैं, उसके पहले नहीं उठते हैं। मान लो हम यज्ञ भी करते हैं ना तो यज्ञ के आरंभ में और अंत में हम जल छोड़ते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं? कि हे अग्निदेव
इस यज्ञ में जिस जिस प्रकृति माता ने जो हमको कुछ दिया है उसको हम यज्ञ प्रयोजन के लिए, विश्व कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, और अंत में किसके लिए छोड़ते हैं? हे अग्निदेव, उन यजमानों को जो हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए समय देते हैं, साधन देते हैं, प्रभाव देते हैं, धन देते हैं, हमारी योजनाओं को चलाने के लिए व्यवस्था देते हैं, हे प्रभु, उनके भी घर में समृद्धि देना। हमको यदि हम अपना पुरुषार्थ करते हैं करोड़ों रुपए का, वो तो हम लगा ही देते हैं, फिर भी हमारी योजना इतनी बड़ी है कि इसमें बहुत सारा धन और लगता है, तो वो देते लो। और आज ऐसा ही सौभाग्य मेरे बीच में, हमारे डॉक्टर सिसोदिया जी जो सिरपुर बघाड़ी महाराष्ट्र से आए हैं, और आप हमारी गौ यात्रा से प्रभावित होकर हमारी गौ विज्ञान की जो गौ विज्ञान शाला बनी है इसकी आप सेवा करने आया करते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ में हमारे आदरणीय सिसोदिया जी के पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा, मेरे पीछे खड़े हो जाएं, उनके बेटे बहू भाई चेतन जी, उनके बहू, आप चारों, उनका एक पोता भी है, आ जाए इधर। आप लोग एक वेटनरी डॉक्टर हैं और आप दोनों बच्चे टीचर हैं, और आप लोगों ने, आ जाए सर, आप लोगों ने, आप दोनों इधर आओ, आप लोगों ने जब, आपका एक ही बेटा है, इन्होंने जब इसका विवाह किया तो इन्होंने क्या कहा? कोई फटाके नहीं, कोई रात्रि का जगराता नहीं, गायत्री धाम की जो आचार संहिता कहती है वैसे अपने बेटे का विवाह करेंगे। इन्होंने, बहू भी मास्टर नहीं है, बेटा भी मास्टर है, इन्होंने आदर्श विवाह किया, और आदर्श विवाह में फिर हम इनके लग्न लगाने गए और बड़े समाज में इनकी कीर्ति बढ़ी। आदरणीय डॉक्टर साहब सेवानिवृत्त हुए, रामनवमी के दिन, दुर्गा नवमी की पूजा के दिन आप यहाँ जन्मदिन मनाने आए, और गौ माताओं की गौग्रास दे करके माँ सद्या जी जी से मिल करके शक्तिपीठ आए, और वहाँ इनको आदरणीय पूजा जी जी ने कन्या कौशल शिविर का बताया। तो आपने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे कोई प्रोफेसर लोग सेवानिवृत्ति के बाद अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को 5-स्टार होटल में ले जाते हैं और वह अपना सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम करते हैं। मेरी भावना है कि कन्या कौशल की सभी बेटियों को मैं भोजन कराऊं और उनके साथ मेरा सेवानिवृत्ति की पूर्णाहुति करूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब ने परिवार सहित इनके इष्ट मित्र स्वजन और नगर ग्राम से इनके मित्र भी लोग आए, कितने लोग? 50 लोग इनके साथ में आए। तो ये 50 लोगों ने मिलकर अभी यज्ञशाला में यज्ञ किया, यज्ञ के बाद में अपने बीच में पधारे, तो मैं बड़े सम्मान के साथ में हमारे नर्मदा परिक्रमा के संत जी आदरणीय हरि बाबा से निवेदन करूंगा, आदरणीय डॉक्टर साहब को पीला उपवस्त्र पहना करके सम्मान करें। परम सद्या मीरा जी जी से अनुरोध करूंगा कि गायत्री धाम की एक सुंदर शिल्ड बनी हुई है, वह शिल्ड दे करके उनका सम्मान करें। रचना जी जी और पूजा जी जी, गौ का जो हमारा पुराण है, ये पुराण भेंट करके पूजा जी जी और रचना जी जी गौ पुराण भेंट करें, क्योंकि यह गौ पुराण जो है हमारा गायत्री धाम का 29 साल का, इसके अंदर 18 अध्याय है, और 18 अध्याय में गौ पुराण के संपूर्ण ग्रंथों का इसमें सारांश है। तो आइए गौ पुराण ग्रंथ से, क्योंकि ये लोग स्वयं गाय पे काम करते डॉक्टर साहब, और ये वेटनरी डॉक्टर होने के नाते हमारे गौ पुराण का संदेश पूरे देश में ले जाएंगे, और आप सब बेटियां फूल खिला करके 15 जिलों की 525 बेटियां और 70 कार्यकर्ता भाई बहन आपके इस सेवानिवृत्ति के महायज्ञ का सम्मान करते हैं। बड़े सम्मान के साथ में आप दोनों वहां बैठे, आदरणीय डॉक्टर साहब 2 मिनट अपने अनुभव कथन रखें कि आपने पशुओं की, पक्षियों की जो सेवा करी, तो आप क्या भाव बोलना चाहते हैं? आप वेटनरी डॉक्टर क्यों बने? आप चाहते तो और कोई डॉक्टर बन सकते थे। आदरणीय माता पिता जी, गुरुदेव, वंदनीय माता जी और परम पूज्य पंडित जी, मीरा दीदी जी, और यहाँ जमे हुए सब
महानुभाव और हमारे गांव से आए हुए सब रिश्तेदार, मेरे सहकारी बंधु और सब बालक मित्रों, मैं बचपन से जब छोटा सा जब से पशुओं के साथ काम करता था, हमारे घर पशु का ही व्यवसाय था, तो जब से मुझे उसके बारे में लागत थी, और आगे चल के मेरे शिक्षण करते करते मुझे इधर रुचि बढ़ी, बाकी दो तीन इधर ही मेरी यानी सिलेक्शन हुआ था, जैसे पढ़ाई की तरफ डीएड में और दूसरा इंजीनियरिंग में, लेकिन मुझे इधर अच्छी रुचि लगी, तो एग्रीकल्चर में भी हुआ था, तीन जगह सिलेक्शन हुआ, बाद में मैंने आखिरी में इसको सिलेक्ट किया, जब कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, मेरिट आके लग जाता था पहले, ऐसी बात थी। तो इधर आने के बाद मन से तो मैंने मेरा काम किया, लेकिन परम पूज्य पंडित जी और यहाँ की जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ है, प्रेरणा है, ये प्रेरणा से काम करते हुए कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या है तो भगवान का नाम स्मरण चिंतन किया तो हट जाती थी, और जो भी सत्प्रेरणा मिलती है तो उससे मिलती थी, तो जो भी काम है वो आप अच्छा होता है, तो उससे अपने काम में नेचुरली दिक्कत आती रहती है, समाज में अपन आगे बढ़ते हैं, और ऐसे काम करते करते मेरे 38 वर्ष 6 महीने ये सेवा करने में चल गए। तो परम पूज्य गुरुदेव माताजी और सब संतजन, मेरे माता पिताजी, इनका सबका आशीर्वाद, और मेरे साथी सब साथियों जो मेरे साथ में रहे, उन्होंने सब ने जो सहयोग दिया, उसकी वजह से मैं सब ये यशस्वी हुआ, और सबका ये सबके लिए मैं प्रणाम करता। बड़े सम्मान के साथ डॉक्टर साहब ने अपने भाव रखे। आदरणीय सम्माननीय आज के हमारे विशेष मार्गदर्शक सदे रत्नाकर जी से अनुरोध है, यहाँ खड़े हो जाएं, और हमारे आदरणीय डॉक्टर रत्नाकर जी जिन्होंने इस पे बहुत बड़ी पीएचडी करी इस विषय के ऊपर, और उन्होंने बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से हमारा मार्गदर्शन दिया। तो जो अग्रवाल दादा हैं हमारे इस गौ विज्ञानशाला के प्रमुख, और देवी अहिल्या इंदौर की जो गौशाला है उसके आप अध्यक्ष हैं, आदरणीय शंकरलाल जी से अनुरोध करूँगा ऋग्वेद संहिता भाई साहब को भेंट करें, और चार वेदों की माता गायत्री का उन्हें सत साहित्य से उन्हें सम्मान करें, और हमारे गायत्री परिवार के जोन समन्वयक सम्माननीय श्री बसंत जी मुंडे जी युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ओर से पीला उपवस्त्र पहना करके उनका सम्मान करेंगे, और भावना करेंगे कि आपका जीवन गायत्री महाविद्या से संरक्षित रहे, और ये उपवस्त्र आपके जीवन को यशस्वी बनाए, और इस पूरी टीम को सतत नई ऊर्जा नई शक्ति नई भक्ति देने का कार्य परम सद्य मीरा जी पंडित जी करते ही हैं। आप दोनों मिलकर के भैया को शील्ड देंगे आपके आगमन के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया के मंगलमय जीवन और दीर्घायुष्य की कामना करते हैं महामृत्युंजय मंत्र भैया के लिए एक बार। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए अगले क्रम में आमंत्रित करती हूँ मैं सिसोदिया जो दंपति हम लोगों के बीच में पधारी है। आज का जो आप लोगों का भोजन है और आज आप लोगों को अपने भैया की तरफ से आइए आदरणीय सिसोदिया दंपति जीजी और भैया दोनों को मैं निवेदन करती हूँ कि दीदी को आदरणीय मीरा दीदी और आदरणीय पंडित जी का वो सम्मान करें श्रीफल और शॉल से। आइए दोनों दंपति इधर सामने आ जाइए, भैया आइए श्रीफल से, और इस तरह दीदी का स्वागत हो रहा है और आदरणीय पंडित जी का, सभी एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ
ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग जब स्वागत करते हैं ना तो फूल खिलाते हैं, ताली नहीं बजाते, ठीक है। एक बार महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम् यजामहे परिक्रमा करो। आइए, हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, हम लोग कोई जन्मदिन भी मनाते हैं, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं दादा दादी, उनकी परिक्रमा करवाते हैं। ये जो दंपत्ति हमारे सिसोदिया जी, इनके बहू और बेटे आए हुए हैं, आइए परिक्रमा करेंगे। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण न कभी जाए चुकाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, इनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अभी हमारी बेटियां क्या कह रही है कि जब हम भी किसी कार्य में अपने घर में कोई उत्सव मनाएंगे, जन्मदिन विवाह दिन, तो केक नहीं काटेंगे, मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे, माता पिता की परिक्रमा करेंगे और हरि के गुण गाएंगे। तो अगली पंक्तियां सुनिए क्यों। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता से और बड़े होते हैं वो होते हमारे सद्गुरु। हमें सद्गुरु मिल जाते जीवन में तो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाते हैं। आइए अपने अपने सद्गुरु का ध्यान करें। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया, हृदय में भक्ति दीप जलाया, हरि दर्शन का मार्ग बताया, बिना स्वार्थ ही कृपा करे वह इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। सभी गाइए, मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोलो भारत माता की। प्यारी बेटियों, अब आप लोग यहाँ से जाएंगे भोजन के लिए, और भोजन के बाद फिर जाएंगे विश्राम के लिए, और फिर 2:30 बजे इधर वापस आएंगे। तो आज आपका 2:30 बजे फिक्स
अद्भुत कार्यक्रम होगा आधे घंटे का, और उस कार्यक्रम का नाम है सामूहिक 5 मिनट की ओमकार की नाद का अभ्यास। फिर ओमकार की नाद के बाद में फिर आज आप लोगों को स्वस्थ रहने की कला की किताब की एक टेबल का स्वाध्याय करवाएंगे। अभी ये पहली टेबल है कि ये विभिन्न प्रकार का हमारा शरीर 24 घंटे में क्या करता है, इसको पहले पढ़ना है। ये शरीर विज्ञान, उसके बाद में इस शरीर का मेंटेनेंस कैसे करना है, इसके ऊपर एक 10 प्रश्न की एक टेबल है। ये टेबल भोजन से संबंधित 24 उपयोगी सूत्र, ये पढ़ना है। इस पे मैं आपसे प्रश्न उत्तरी करूँगा। ये 15 मिनट ये बुक पढ़ना है। उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण, पढ़े और उसे जीवन में उतारें, ये फोल्डर इसको पढ़ना है। इसमें 5 सूत्र हैं, और ये 5 सूत्र जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है या आप कहीं पढ़ते हैं तो इसको कहाँ तक रखना, पढ़ने और बोलने तक या फिर बोलो बोलो जीवन में उतारने तक। तो ये जो है युग ऋषि के, ये जो हाथ ऐसे कर रहे हैं ना गुरुजी माताजी, आज इनसे हम आपको मिलवाना चाहते हैं। तो ये 2:30 से 3 बजे तक ये मिलेंगे आपसे, और मिलेंगे कहाँ, इनके विचारों में। तो ये दोनों चीज आपको दी, आपकी रहेगी, इसको हम वापस नहीं लेंगे। इसको आपके मंत्र के पत्रक के साथ अपने घर ले जाके बताना। इसके बाद अगला कार्यक्रम आपको आदरणीय जीजी पंडित जी यहाँ 3:30 से 3:30 बजे तक आधा घंटा आप लोगों को बुलाएंगे। 1 नंबर से 12 नंबर की बेटियाँ इधर से आएगी 2 की लाइन, तो 1 लाइन आने की 1 जाने की। फिर 13 नंबर से 24 नंबर की बेटियाँ इधर से 1 लाइन आएगी इधर से जाएगी। तो फिर यहाँ क्या होगा, 1 लड्डू माता जी देगी, 1 लड्डू गुरु जी देंगे। काय का देंगे, 2 लड्डू दिया करते थे गुरु जी माता जी, काय के लिए देते थे, जन्मदिन के लिए। तो आपको उनको देखना है और अपनी जन्म तारीख उनको बताना है। आपकी जो जन्म तारीख है यहाँ आकर के बोलना, अपना नाम बोलना, अपना गांव का बोलना, और अंत में क्या बोलना, आपको क्या बनना है। आदरणीय रत्नाकर जी पूछ रहे थे कि आपने आपका निर्धारण क्या किया कि फ्यूचर में भविष्य में आपको बोलो, किसी को डॉक्टर इंजीनियर वकील उद्योगपति जो भी बनना हो ना। एक 2018 की घटना है, वो कन्या यहाँ आई हुई है। 2018 में ममता बेन की बेटी यहाँ आई थी, कहाँ है वो लड़के, खड़ी हो इधरा। ये बच्ची 2018 के कन्या कौशल शिविर में आई थी, और उस समय हमने कन्याओं से शिला पूजन कराया था, सप्तऋषि आरण्य और 24 गुरुवार का उपवास कराया था। तो ये बेटी ने भी करा था, और इसकी माँ ने इसको बोला था, बोले बेटा पंडित जी ने ये भी बोला है कि जो उपवास करा है वो बचा हुआ 1 दिन का, 1 उपवास का 20 रुपया एक गल्ले में डालना है। तो महीने के 4 रविवार, तो बोले बेटा 80 रुपये भी डालना है। तो इनकी माँ को इन्होंने कहा, माँ बोले अपने पास 80 रुपये तो है ही नहीं, अपने पास तो इतनी घर में गरीबी है। तो इनकी माँ ने कहा, बोले बेटा यदि अच्छे विचारों का संकल्प लिया ना तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। अभी ये बेटी ने 18 में शिविर किया, अभी ये बेटी 1 मिनट में बताएगी ये कितना रुपया कमाती है, और अभी ये मिशन में कितना दान करती है। और आने वाली 2024 की 21 तारीख का गुरु पूर्णिमा का जुलाई का पूरा भंडारा ये करने वाली है। इधर आ, जिसके पास 80 रुपये नहीं थे वो कितना कमाती, गुरु की कृपा। सुनो जी, सबको प्रणाम। मतलब हाँ, ये सच है कि मतलब अंशदान करना बहुत जरूरी होता है, और ये गुरुदेव और माता जी की कृपा है और गायत्री माता की कृपा है, जो और सबसे ज़्यादा जो मेरे माता पिता है, ये उनका संघर्ष है, उनके कष्ट है, जिसके वजह से मैं आज जो कर रही हूँ वो करने लायक बनी हूँ। तो
मतलब मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है और अब मैं एक एनजीओ है देश अपना है करके जो भोपाल में काम करती है और वो एजुकेशन में काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। तो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ है और मतलब मेरी तनख्वाह अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है कि 50,000 मुझे महीने का मिलने वाला है और मेरी यही आशा है कि मैं उसमें से समाज के लिए और गुरुदेव और माताजी के लिए कुछ कर सकूं। और जो आने वाला 31 जुलाई का प्रोग्राम होने वाला है गुरु पूर्णिमा का, तो मम्मी ने मतलब माताजी ने पहले ही बोल दिया था 10 साल पहले कि ये भंडारा हम करवाएंगे और तभी से मम्मी ने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरा भाग्य है कि इसी साल मेरा प्लेसमेंट भी हो गया, मैं कमाने भी लग गई हूँ और मैं मेरे कमाई से उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट कर सकूँगी। तो धन्यवाद भाइयों बहनों। निश्चित समझना, कौन कहता है कि आसमान में छेद होता नहीं है, लेकिन अगला सूत्र आप बोलो, तबीयत से एक पत्थर उछाल के तो, और हर कोशिश करने वालों की। प्यारे बेटियों, हार उन्हीं की होती है जिन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया है। एक बार मैं पढ़ रहा था संत इमर्सन को, तो उसने क्या लिखा ध्यान से सुनना, 1000 बार भी असफल हो जाओ तो फिर भी सफलता के लिए कोशिश करने की गुंजाइश अभी बाकी है। इसका मतलब है कि मेरी हिसाब से जिंदगी में 1000 बार तो कोई असफल होता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं कि थोड़े प्रयत्न की असफलता को असफलता मानते हैं, लेकिन वो असफलता आपकी नहीं है, वो परिस्थिति और आपके अभ्यास की असफलता है। इंसान कभी असफल नहीं होता है, वो तो सफलता के लिए पैदा हुआ है। असफलता किसकी होती जल्दी बोलो, मेरी या मेरे अभ्यास की? जल्दी बोलो, अभ्यास जीतता और हारता है, इंसान कभी जीतना और हारता नहीं है। इसलिए अभ्यास की जीत हार में ना तो इतराओ ना दुखी रहो, यही जिंदगी की कहानी है।